न जाने इंद्रदेव कब प्रसन्न होंगे। लगता है वो प्रसन्न नहीं होंगे। एक यज्ञ तो महाराज केसरी पहले ही कर चुके, दूसरा यज्ञ करने जा रहे थे किंतु हनुमान ने बीच में आकर उसे भंग कर दिया। और एक यज्ञ वो दुष्ट तांत्रिक इंद्र के नाम पर हमें मूर्ख बना करके कर गया, कहीं उसी से तो ये समस्या विकराल नहीं हो गई। सच कहता हूं मित्रों, इंद्रदेव इतना कठोर होंगे ये मुझे पता ही नहीं था। कब तक हम लोग इस समस्या का सामना करते रहे? यदि इंद्र मेरे सामने आए तो मैं उनसे पूछता कि क्या त्रुटि है हमारी। तुम्हारी त्रुटि ये है कि तुम सुमेरुवासी हो, उस हनुमान के राज्य के निवासी जो चोर है। ए बहरूपिये, हमारे हनुमान के विषय में कुछ मत कहना। जब इंद्र अपने स्वर्ग का आनंद ले रहे थे तब हमारे हनुमान ही हमारी भूख और प्यास मिटाने का प्रयास कर रहे थे। हनुमान का गुण गाने वालों, तुम्हारा हनुमान मायावी है, उसने मेरे स्वर्ग जाने का रास्ता बंद कर दिया है और न जाने कहां छुपकर चोरों की भांति बैठा है। देखो महानुभाव, इंद्र के वस्त्र धारण करके इंद्र जैसी वाणी मत बोलो। इंद्रदेव कभी हमारे हनुमान के विपक्ष में नहीं बोल सकते, उन्हें भी तो हमारे हनुमान का प्रयास दिखाई दे रहा होगा। तुम्हारा हनुमान चोर है और पाखंडी भी। देख भाई, इससे पहले कि हम लोगों को क्रोध आ जाए तो यहां से चला जा। क्या कर लोगे तुम लोग हैं? मैं हूं इंद्र, बोलो क्या कर लोगे तुम लोग। समझ में आ गया या और समझाओ? मैं मुझ पर हाथ उठाया मैं तुम्हें इसी क्षण भस्म कर दूंगा। क्यों नहीं हुआ अभी तक कुछ? क्योंकि तुम इंद्रदेव नहीं हो, बहरूपी हो। स्वांग के वस्त्र धारण करके इंद्रदेव बनके हमें और क्रोधित मत करो। ये उत्तेजित तो तुम सबने मुझे कर दिया है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति कार्य नहीं करी तो क्या हुआ? तुम सबको मैं अपने बाहुबल से अभी ठीक कर ये देता हूं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लड़ो मत, लड़ो। ये क्या कर रहे हो? झगड़ा मत करो। एक तो वैसी शक्ति नहीं है और इस प्रकार मलयुद्ध करोगे तो सारी शक्ति का नाश हो जाएगा। देखो तुम जो काम करने आए थे वो करो, जाओ यहां से, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। एक तो वैसी उस तांत्रिक के कारण हमारी बुद्धि व्यथित है, बेकार में तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो और दुख होगा। जाओ भाई, जाओ यहां से। नहीं हूं मैं तुम लोगों का भाई और ना ही कभी हो सकता हूं। तुम जैसे तुच्छ पृथ्वीवासियों से मेरा कोई संबंध नहीं। इस जल के लिए तुम जीवन भर तड़पते रहो। तुमको जो कहना था तुमने कह लिया, अब जाओ यहां से। हे प्रभु, मेरे पति पृथ्वी लोक पर चले तो गए परंतु ना जाने हनुमान उनके साथ क्या व्यवहार करे। मेरे पति की रक्षा करिएगा प्रभु। जल चाहिए प्रभु। माते, ये लीजिए, ये प्रभु शिव के वरदान स्वरूप मुझे फल मिले। इस एक फल से किसी भी मनुष्य की एक दिन तक की क्षुधा और प्यास मिट सकती है। लीजिए, आप भी एक ले लो। इंद्र कब तक वर्षा करेंगे हनुमान? इंद्र को वर्षा करनी ही होगी, आप चिंता मत कीजिए। जिस प्रकार आप सभी लोग मेरे प्रिय हैं, उसी प्रकार उनके प्रिय भी मेरे ही पास। धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद।
प्रणाम हनुमान। अच्छा हुआ आप मिल गए, महाराज ने आपको शीघ्र बुलाए। ठीक है तो आप ये फल सुमेरु में वितरित कर दीजिए, मैं पिताश्री से जाकर मिल लेता। जो आ गया लीजिए। मुझे नहीं पता था कि पृथ्वीवास से इतने शक्तिशाली और क्रूर होंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन की व्यवस्था करनी है और जल भी। नारायण नारायण, क्या हुआ भ्राते? आप इतने व्यग्र क्यों दिखाई दे रहे? किस बात का भय है आपको? देवर्षि मेरी सहायता कीजिए। नारायण नारायण, किंतु भ्राते आप हैं कौन? पहचानिए मुझे, मैं हूं, मैं इंद्र। नारायण नारायण, इंद्र का नाम मत लो भ्राते, इंद्र का नाम मत लो। मुझे सत्य बताओ, सत्य बताओ मुझे कि आप हैं कौन? कदाचित आप इंद्र तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे प्रिय इंद्रदेव वो तो स्वर्ग में इतने व्यस्त कि उन्हें तो किसी से भेंट करने का समय भी नहीं है। भ्राते भ्राते वो इतने व्यस्त है कि पृथ्वी वासियों की जैसी आहुत की ध्वनि भी उन तक नहीं पहुंच पा रही, और आप कहते हैं कि आप इंद्र हैं? नारायण नारायण, भ्राते इंद्र जैसे वस्त्र धारण करने से कोई इंद्र तो बन नहीं जाता है ना? नारद दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूं। नारायण नारायण, इंद्रदेव आपकी ये दुर्दशा, किंतु आप ये मुझसे किस प्रकार वार्ता कर रहे हैं? मैं तो चला। नारायण नारद जी, नारद जी मेरी सहायता कीजिए, मैं इस पृथ्वी से बाहर नहीं जा पा रहा हूं, और ना ही मेरा कोई मानसिक संदेश उस स्वर्ग तक पहुंच रहा है। अरे 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 अरे, नारायण नारायण, ये सब कैसे हो गया इंद्रदेव? ये सब कैसे? स्वर्ग शक्तिशाली स्वर्ग अधिपति इंद्रदेव की ये दशा कि वो अपना मानसिक संदेश भी स्वर्ग तक नहीं पहुंचा पा रहे। नारायण नारायण, ये सब कैसे इंद्रदेव, ये सब कैसे? ये सब उस हनुमान के कारण हुआ। नारद जी मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी, अब देखिए ना प्यास से मेरा गला भी सूखा जा रहा है। मैं बहुत कष्ट में हूं नारद जी, यहां कहीं जल मिले तो मुझे जलपान करा दीजिए। नारायण नारायण, पृथ्वी पर जल कहां इंद्रदेव, पृथ्वी पर जल कहां? यदि यहां पर जल होता तो पृथ्वी वासी इतने व्यथित थोड़ी होते। मैं प्यास से मर रहा हूं देवर्षि, स्वर्ग में किसी से जाकर कहिए कि वो मेरे लिए भोजन की और जल की व्यवस्था करे। इंद्रदेव आप स्वर्ग के राजा हैं, आप अपनी सहायता स्वयं कर सकते हैं। कदाचित आपको मुझ जैसे तुच्छ ऋषि से सहायता नहीं मांगनी चाहिए इंद्रदेव। नारायण नारायण, नारद जी हनुमान, ये सब तेरे कारण हो रहा है।
महाराज महाराज। कहो सैनिक क्या हुआ? महाराज कुंजरी ग्राम में अराजकता फैलने लगी है। किंतु उस तांत्रिक को तो हमने दंड दे दिया था, फिर किस कारण से वहां पर अराजकता फैल रही? महाराज भोलाराम जी का संदेश आया है कि वहां पर कोई इंद्र देव के जैसा वस्त्र पहनकर लोगों के आगे इंद्र बनकर स्वांग कर रहा है और कुपित लोगों ने उसे बहुत मारा और पीटा, आपसे सहायता की कामना की है। सही में इंद्र देवी तो नहीं? हम स्वयं कुंजरी गांव जाएंगे और वहां की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। चलो एक और वज्र तो प्रकट कर भाई, पानी पिला दो। पानी नहीं है, पर तू तो इंद्र है ना, वज्र घुमा मेघ बुला, तू भी जल पी लेना, हम भी पी लेंगे। थोड़ा सा जल पिला दो, थोड़ा सा जल पिला दो भाई, मैं वर्षा नहीं। एक बार बस, एक बार ऐरावत तो बुला। अरे भाई तुम तो इंद्र हो ना, रोज अप्सराओं का नृत्य देखते हो, आज हमें भी किसी अप्सरा का नृत्य दिखा दो। अरे कहाँ जा रहा है, अप्सरा को नहीं बुलाओगे तो आज तुझे स्वयं नृत्य करना पड़ेगा। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इंद्र बनेगा, बनेगा? ये डंडा देखा है जो भैया ने कहा वो चुपचाप कर अन्ना। अरे कहां जा रहा है, अप्सरा को नहीं बुलाओगे तो आज तुझे स्वयं नृत्य करना पड़ेगा। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इंद्र बनेगा, बनेगा? ये डंडा देखा है जो भैया ने कहा वो चुपचाप कर अन्ना। कर जल दे दो भाई, कोई जल दे दो मुझे। प्रभु हमें तो पता ही नहीं था कि मनोज नृत्य करना भी जानते हैं। अभी तो आप देखती जाइए देवी, देवराज इंद्र को अपने कुकृत्यों के कारण क्या क्या भोगना पड़ता। किंतु प्रभु हमें उनकी स्थिति पर दया आ रही है। नहीं देवी, देवराज इंद्र की इस स्थिति पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवराज इंद्र अपनी इस स्थिति के स्वयं निर्माता हैं। याद रखिए देवी, इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वो जो प्यार से मानते हैं और दूसरे वो जो वार से। देवराज इंद्र की इस स्थिति पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवराज इंद्र अपनी इस स्थिति के स्वयं निर्माता।
याद रखिए देवी, इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वो जो प्यार से मानते हैं और दूसरे वो जो वार से। देवराज इंद्र प्यार की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। देवी, पृथ्वी लोक कर्म प्रधान लोक, वहां किसी व्यक्ति के नाम से अधिक उसके कर्मों की महत्ता होती है। देवराज इंद्र यदि पूरी सृष्टि में चीख चीख कर ये कहते फिरेंगे कि वे ही देवराज इंद्र हैं, तो भी कोई उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि इंद्र के पास अपनी सत्यता को रखने के लिए कोई प्रमाण नहीं। देवराज इंद्र को प्रसंग से ये शिक्षा अवश्य मिलेगी कि जीवन उतना ही मूल्यवान होता है, भले ही वे किसी साधारण मनुष्य का हो या स्वयं उनका। प्रभु, क्या आप सदा इंद्र पृथ्वी पर ही रहेंगे? देवी, ये भी उन्हीं पर निर्भर करता है। जितना शीघ्र उन्हें अपनी भूल का आभास होगा, उतनी ही शीघ्र वो स्वर्ग लौट पाएंगे। जल, कोई जल पिला दो मुझे, जल, कोई है, भाई कोई है यहाँ, कोई है भाई, अरे कोई है यहाँ, कोई है, मेरा गला सूख रहा है, कोई है, कोई है, अरे भाई मुझे जल पिला दो कोई, अरे भाई कोई है मुझे जल पिला दो। हे प्रभु, ये तो स्वयं इंद्रदेव है, कोई सॉन्ग करता नहीं। कोई है, कोई है जो मुझे जल पिला दे भाई। इंद्रदेव, इंद्रदेव, केसरी, हनुमान का कुछ पता चला? कहाँ है वो कपटी पापी, किसके कारण मेरी ये दशा हुई है, बताओ। इंद्रदेव, आपकी इस दशा का कारण हनुमान नहीं है। हनुमान से मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया, और सत्य यह है कि आपकी इस दशा का कारण आप स्वयं हैं। हनुमान को बोल कि वो अपने छल का खेल बंद करे, अन्यथा। मैं यहाँ आपकी सहायता करने आया था, किंतु मुझे लगता है कि आपको सहायता की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि हनुमान ने आपको पृथ्वी पर रोक रखा है, तो हनुमान ने जो भी किया है वो एकदम सही किया है। आपको भी तो आभास होना चाहिए पृथ्वीवासी किस अवस्था में रह रहे हैं। केसरी, यदि आप स्वर्ग के राजा ना होते तो मेरी ग्रीवा पर हाथ उठाने का परिणाम आपको बता देता, किंतु प्रभु, प्रभु स्वयं तुम्हें दंड दे रहे हैं, और आपके भाग्य में यही लिखा है, भटकते रहो, ऐसे ही भटकते रहो, प्यास से तड़पते रहना, भटकते रहो। लीजिए, बस पुत्र बस। माते लीजिए, एक और लीजिए, शीघ्र स्वस्थ होना है या नहीं, लीजिए। इंद्रदेव ने क्या कहा, वर्षा कब होगी? माते, अभी तो इंद्रदेव पृथ्वी पर निरीक्षण करने आए हैं, जब वो निरीक्षण करके वापस लौट जाएंगे तब वर्षा कर देंगे। देखिए, वचन के रूप में उन्होंने मुझे अपने मित्र सवारी अरावत भी दिए हुए हैं,
हे प्रभु, इंद्रदेव का निरीक्षण शीघ्र ही खत्म हो जाए। अच्छा, तुम ठीक हो जाओगी। पिताजी लीजिए, आप भी फल खाइए, ये मुझे शिवजी ने दिए, लीजिए। हनुमान, आपको पता है इंद्रदेव तब क्यों नहीं लौट पाए? उनके कर्म। और बहुत क्रोध में है भी वो। किंतु तुमने मुझे अभी तो कहा कि इंद्रदेव निरीक्षण हेतु पृथ्वी पर आए हैं, फिर वो वापस क्यों नहीं जा पा रहे? ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माते, मैं और शिवजी मिलकर इंद्रदेव को पाठ पढ़ा रहे हैं, और एरावत जी भी हमारे साथ है, बस यही सत्य है। किंतु यदि वो पृथ्वी से नहीं जाएंगे तो वर्षा कैसे होगी? माते, वर्षा होगी, अवश्य होगी, और इंद्रदेव ही वर्षा करेंगे। किंतु इस स्थिति में कैसा लगता है, उन्हें ये समझाना अति आवश्यक है। नहीं पुत्र, तुम अभी जाकर उनसे क्षमा मांगो और उन्हें अपने साथ लेकर आओ। नहीं माते, उन्होंने भूल की है तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। पुत्र, दंड देने वाले हम कौन होते हैं? वो तो शिवजी और विष्णु का काम है। तुम जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उन्हें अपने साथ लेकर आओ। माते, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कह रही हैं कि मैं जाकर उनसे क्षमा मांगू? हाँ पुत्र, क्योंकि वो देवता है और हमें किसी भी देवता पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं। अंजना, फिर चाहे वो देव हम पर कितना भी अत्याचार करे, अंजना, हमें सिखाया गया है कि दूसरों का सम्मान करें, किंतु हमें ये भी सिखाया गया है कि अपने सम्मान को नष्ट ना होने दें। किंतु स्वामी, वो देवराज इंद्र है। अंजना, न्याय संहिता सबके लिए समान है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या देव। माते, यदि आप यही चाहती हैं कि मैं इंद्रदेव से शांतिपूर्वक वार्ता करके इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा करूं, तो ठीक है, किंतु यदि उन्होंने अपनी हट नहीं तोड़ी तो मैं भी उनके समक्ष जाकर उनके जाने का मार्ग खोलने की प्रार्थना नहीं करूंगा। जाओ पुत्र, और इंद्र को सही प्रकार से सबक सिखा कर आओ। पिताश्री, यदि इंद्रदेव शांति पूर्वक माने तो मैं उन्हें अवश्य शांति पूर्वक ही समझाऊंगा। पुत्र, तुम उन्हें पहले शांति पूर्वक समझाने का ही प्रयत्न करना। जी माते, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सर्वप्रथम इंद्रदेव को शांति पूर्वक ही समझाऊंगा, और यदि वो नहीं माने तो उनके साथ वही होगा जो न्यायपूर्वक होना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। अपन को जल जरूर। जल, जल, माता, मेरी सहायता करो, मुझे थोड़ा जल पिला दो। जल नहीं है मेरे भाई, आप ऐसी दशा में मुझसे सहायता मांग रहे हैं जबकि मैं मेरे पुत्र की भी सहायता नहीं कर पा रही। ये भूख से बिलख रहा है और मेरी छाती से बूंद दूध भी नहीं आ रहा। भाई, ये सब उस हनुमान के कारण हुआ है। ना वो मेरा ऐरावत चुरा कर ले जाता, ना आप सभी को ये सब भुगतना पड़ता। चले जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो, आज हनुमान के कारण ही मेरा पुत्र और मैं जीवित हैं। चले जाओ यहाँ से।
भूख और प्यास से व्याकुल है, पर उनका गर्व अभी तक टिका हुआ है। वो भी शीघ्र चला जाएगा देवी, आप प्रतीक्षा तो कीजिए। उनका मान मर्दन होने ही वाला है। जल, अरे भाई कोई जल पिला दो मुझे। कहाँ गए सब लोग? जल पिला दो मुझे। कहाँ गए सब लोग? अरे भाई कोई है? अरे भाई कोई जल पिला दो मुझे। अरे लो देखो फिर से आ गए देवराज इंद्र, स्वागत करो इनका। प्रणाम इंद्रदेव जी। क्यों आ गए भाई आप? मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है भाई? भूख तो हम सबको लगी है। भोजन का प्रबंध कीजिए ना इंद्रदेव जी। थोड़ा जल मिलेगा पीने को? वर्षा कराओ ना मित्र, वर्षा। सब मिलकर के जल पिएंगे। देखो भाई, यदि मुझे जल नहीं मिला तो मुझे मूर्छा आ जाएगी। मैं जल के बिना इंद्र होकर मूर्छा आ जाएगी? ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रणाम नगरवासियों। प्रणाम। देखिए आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए, मैं इनसे वार्ता करता हूँ। हाँ हाँ हनुमान, देवराज इंद्र हैं ये। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवराज। आज्ञा हनुमान जी। जाइए जाइए। देवराज देखिए ये कैलाश के फल हैं। मार खोल मेरा। देखिए आप अपना क्रोध कम कीजिए और शांति से बात कीजिए। शांति से बात करो तुझे? शांति से बात करो। चल 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 चल। हे प्रभु, मेरे पति पृथ्वी पर इतनी देर तक तो नहीं रुक सकते थे। अवश्य कोई अनहोनी हुई, मुझे जाकर देखना होगा। नारायण नारायण। देवी आप क्यों इतनी चिंतित दिखाई दे रही हैं? देवऋषि नारद आप तो सर्वज्ञानी हैं, मेरी चिंता का कारण भी आपको ज्ञात है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मेरे पति के बारे में कुछ सूचना दे दीजिए। नारायण नारायण। देवी सूची, आप एक महान महिला थी जिस कारणवश आपको मनोजव की पत्नी और इंद्र रानी का पद मिला, किंतु देवी आपके पति देवराज इंद्र वो अपनी बुद्धि और अपना विवेक खोकर भूल पर भूल करते गए, और देवी आज भी उन्होंने भूल कर दी। अब क्या भूल हो गई उनसे? देवी हनुमान देवराज इंद्र को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु देवराज उन पर बार बार वार कर रहे हैं। देवी अब आप ही बताइए, एक देवता को एक नन्हे से बालक पर वार करना शोभा देता है? ये कहां की समझदारी है देवी? हे देवी मुझे तो और चिंता होने लगी। हनुमान की? नहीं देवी, हनुमान की नहीं, आपके पति देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र तो हनुमान पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु
किंतु हनुमान उनको प्रतिउत्तर में कुछ नहीं कह रहे देवी, केवल अपनी बात समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। किंतु देवी, यदि हनुमान को क्रोध आ गया तो नारायण नारायण। हे देवर्षि नारद, आप मुझे अभी इसी क्षण सुमेरु ले चले। अवश्य देवी, अवश्य। सबकी सहायता करना तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। आइए आइए। नारायण नारायण। बोल कहां आ रहा था मेरा, बोल जाके रे। कहां छुपा कर रखा तूने उसे? मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, तेरे ही कारण मेरी ये दशा हुई है। बोल कहां है मेरा आरावत? मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मेरे कारण आपकी ये दुर्दशा नहीं हुई है। देखिए, आप पहले शांत हो जाइए और सर्वप्रथम अपने क्रोध को कम कीजिए और मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात दुष्ट कपी। वो क्या समझता था इसी शक्ति से मुझे स्वर्ग पर जाने से रोक सकेगा? और मैं तेरे सामने आकर गिड़गिड़ाऊंगा, तुझसे निवेदन करूंगा कि मुझे जाने दो। नहीं शिवराज, आप बिना मेरी बात सुने मुझ पर लांछन कैसे लगा सकते हैं? और मेरा ऐरावत चुराया, मुझे इस स्थान पर बंदी बना के रखा, इन तुच्छ पृथ्वीवासियों से मेरा उपहास करवाया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज का दिन तेरी मृत्यु का दिवस है। क्या क्या कर रहे हैं देवराज? हट जाओ सुजी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक छोटे बालक पर हाथ उठाते आपको लज्जा नहीं आती? ये बालक नहीं, दुष्ट कपी है, दुष्ट कपी। इस दुष्ट कपी को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। आज इसी के कारण मेरी ये दशा है, अन्यथा मैं स्वर्ग में बैठकर स्वर्ग का आनंद नहीं ले रहा था। अपने स्वर्ग की आनंद की पड़ी है आपको? पृथ्वी के कष्टों को दूर करने का एक भी विचार किया आपने अब तक? अब तो चाहे जो हो जाए, स्वयं प्रभु शिव भी आकर कहेंगे कि पृथ्वी को मुक्त कर दो तो भी नहीं करूंगा। इसी तरह तड़प तड़प कर मरो, सब मरोगे तुम। देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आया। लो तो पुत्र, पुत्र जल पियो, जल पियो पुत्र, पुत्र जल पी लो पुत्र, हनुमान तुम्हारे लिए जल रहा है पुत्र। मैं आपसे अंतिम बार निवेदन कर रहा हूँ, अन्यथा नहीं तो क्या कर लेगा तू पपी? क्या कर लेगा मेरा? शांत हो जाइए देवराज इंद्र, शांत हो जाइए। इस प्रकार क्रोध से मात्र हानि ही होती है। देवर्षि, आपको बीच में बोलने की अनुमति नहीं है, आप शांत रहिए, अन्यथा आपके साथ भी वही होगा जो इस कपी के साथ हो रहा है। अर्थात आप बातों से नहीं सुधरेंगे। जय श्री राम। हनुमान क्रोध न करो पुत्र, कृपया शांत हो जाओ। करने दो इसे क्रोध, देखता हूं क्या कर लेगा ये। हनुमान
भंग को तोड़ता हूँ। देवी सूची, यही वो क्षण है जिसका मुझे भय था। हनुमान कृपया इन्हें जाने दीजिए। सूर्यदेव प्रकट होइए। सूर्यदेव गुरुवर, गुरुवर आपको मेरी सौगंध, प्रकट होइए। देवी सूची, हनुमान वस्तुतः करना क्या चाहते हैं? देवी सूची, देवराज इंद्र को पाठ पढ़ाने का मात्र यही एक मार्ग। आप देखते जाइए हनुमान की लीला। ओम सूर्याय नमः। सूर्यदेव प्रकट होइए। सूर्यदेव प्रकट होइए। गुरुवर कहो वर, कैसे मुझे याद किया? प्रणाम प्रभु। प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एकमात्र प्रश्न पूछने के लिए मेरा आवाहन किया तुमने? नहीं प्रभु, आवाहन का कारण तो कुछ और था, किंतु उस कारण से पूर्व मेरा आपसे ये प्रश्न पूछना आवश्यक है। पूछो हनुमान। क्या मैं आपका सर्वप्रिय शिष्य हूँ? ये भी कोई प्रश्न पूछने वाला था हनुमान? निसंदेह तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। और यदि मैं उस प्रेम के उपलक्ष्य में आपसे कोई भेंट मांगू तो क्या आप मुझे भेंट देंगे? अवश्य हनुमान, आप मुझसे भेंट मांगे और मैं मना कर दूं? ये कदापि नहीं हो सकता। मांगिए, क्या मांगते हैं? प्रभु ये मेरी मुष्ठी देख रहे हैं आप? आप इसे जितना तपा सकते हैं तपाइए। अर्थात प्रभु क्या आप मेरी मुष्ठी पर पूर्ण ताप प्रवाहित कर सकते हैं? किंतु आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? बस मुझे यही भेंट चाहिए प्रभु, क्या आप दे सकते हैं? अवश्य हनुमान। किंतु हनुमान, ताप दीजिए प्रभु। हे देवऋषि नारद, कृपया मेरे पति को हनुमान के कोप से मुक्त कराइए। नारायण नारायण, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देवी सूची, आप भगवान शिव की शरण में जाएं। कदाचित वही कुछ उपाय बता सकते हैं। तू क्या समझता है मुझे इस तरह व्यतीत कर सकेगा? नहीं हनुमान, मैं बाहर निकलते ही तो यह समाप्त कर दूंगा। प्रभु
अब तो इंद्रदेव को अपना मान त्याग देना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रभु मेरे पति का जीवन अब आपकी दया पर निर्भर है। और पूरे संसार का जीवन आपके पति की दया पर। उन्होंने भूल की थी प्रभु, किंतु मैं सदा ही उन्हें समझाने की चेष्टा करती रही थी। आप भले ही मेरे सारे पुण्य ले लीजिए, किंतु हनुमान को आदेश दीजिए कि वो मेरे पति को मुक्त कर दे। नहीं सुखी, ये कैसा काल जब इंद्र को उनकी करनी का दंड भोगना ही होगा। ये तो केवल आरंभ, मनोजव को उनके हर कुकृत्य का दंड मिलना तय। किंतु प्रभु मैं अपने पति को इस हाल में कुछ समय तक और देख लो। थोड़े ही समय में इंद्र अपने कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य उन्हें समाप्त करना नहीं, केवल उन्हें उनकी भूल से अवगत कराना। तब तक आप बस शांत रहें। जो आज्ञा प्रभु। और ताप दिया तो आपकी मुष्टी जल जाएगी हनुमान। आप मेरी मुष्टी की चिंता मत कीजिए प्रभु, केवल ताप दीजिए। किंतु हनुमान। ताप दीजिए प्रभु। हनुमान जी। देव ऋषि आपको आनंद आ रहा है ना? एक बार मुझे बाहर निकाल तब मैं तुझे बताता हूँ कि आनंद क्या होता है। नहीं हनुमान, मुझे तो देवराज इंद्र की दशा पर दया आ रही। आपकी मुष्टी में इंद्रदेव बंदी है जी प्रभु। सोचिए मत प्रभु, जिस प्रकार मैंने इंद्रदेव को अपनी मुष्टी में बंदी बना रखा है, उसी प्रकार इंद्रदेव ने भी पूरी पृथ्वी को अपनी अकर मान्यता से बंदी बना रखा है। मैंने केवल यह समझाना चाहता हूँ कि पृथ्वी वासियों की क्या दशा हो रही है जल के बिना, और इन हठी इंद्रदेव को ये तभी समझ में आएगा जब ये स्वयं इस दशा को भोगे। आपने सही कहा हनुमान, इंद्रदेव की अकर मान्यता से सभी देवता क्रोधित हैं, और इन्हीं के कारण अकाल समय से पूर्व अपने क्षेत्र से बाहर निकल गया। मेरी कुंजी तो कहीं गिर गई है, तो क्या ये कि अनावृष्टि प्राकृतिक चक्र नहीं, अकाल है? प्रभु और ताप दीजिए। हनुमान, हनुमान मेरी बात सुनो। हनुमान, हनु एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं भी ऐसे ही निवेदन कर रहा था आपसे, किंतु आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। प्रभु और ताप दीजिए। हनुमान मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं हनुमान, मुझे क्षमा कर दो हनुमान। हाँ? कुछ कहा आपने? मुझे क्षमा कर दो हनुमान। प्रभु मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चलूं हनुमान, कदाचित मेरा कार्य समाप्त हुआ। जी प्रभु, प्रणाम। क्षमा कर दो हनुमान। क्षमा तो आपको पूरी पृथ्वी से मांगनी चाहिए। देखिए आपके कारण पूरी पृथ्वी की क्या दशा हो गई।
ऐसा कुछ ना होता यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन सही प्रकार से करते। हनुमान मुझे स्वर्ग जाने दो, मैं वहां से पृथ्वी पर वर्षा अवश्य करूंगा। वर्षा करने से पूर्व आप दोनों को मिलकर अकाल को बंद करना होगा। यदि वो इसी प्रकार खुला रहा तो वो अपना कार्य करता रहेगा। आप सही कह रहे हैं देवर्षि। हनुमान हमें सबसे पहले अकाल को उसके कक्ष में बंद करने का प्रयास करना होगा। देवराज को मुक्त करने के लिए धन्यवाद हनुमान। नहीं माते, मेरा धन्यवाद मत कहिए। इंद्रदेव को जो मुझे समझाना था वह समझ चुके हैं। आप हमें सही मार्ग पर लाने की चेष्टा करते थे, किंतु हम अपने ही गर्व में सब कुछ बिगाड़ते चले गए। मैं आपका भी अपराधी हूँ। आप पूरे ब्रह्मांड के अपराधी बन चुके हैं देवराज। रुचि, अब प्रभु चाहे मुझे जो भी दंड दे स्वीकार नहीं है, किंतु सबसे पहले हमें अकाल को उसके कक्ष में ले जाने का प्रयास करना होगा। आप बता रहे थे किंतु। हाँ हनुमान, किंतु ये कि प्रभु विष्णु द्वारा दी गई कुंजी हमसे कहीं खो गई और उस कुंजी के बिना अकाल को कक्ष में बंद नहीं किया जा सकता। सही, ये वो कुंजी तो नहीं? ये तो इसका एक भाग है, किंतु दूसरे भाग के बिना कदाचित कहीं दूसरा भाग ये तो नहीं देवराज? हाँ हनुमान, यही है। चलिए हम अकाल को निद्रा देकर आते। जी देवराज, चलिए। नारायण नारायण। यदि हनुमान बार बार मुझे यूं ही मार मार कर इतनी दूर फेंकता रहा तो मेरा तो जीवन यूं ही आते जाते समाप्त हो जाएगा। मुझे हनुमान से बचना होगा। हनुमान हो रहा तुम उसे उस ओर से करो, मैं इस तरफ से देखता हूं। किंतु देवराज वो तो नहीं ना। ठीक है देवराज, चलिए। अकाल देवराज आप। प्रणाम देवराज। आपके विश्राम का समय आ गया, किंतु मेरा कार्य तो भी बहुत बचा है। आप अपना कार्य समय आने पर ही पूर्ण कीजिएगा। तुम देवराज, ये वही हनुमान है जिसने मेरा जीवन संताप से भर दिया है। आप पाठ पढ़ाइए इन्हें। पाठ इन्हें नहीं पढ़ा रहा, हमें अपना पाठ समझ में आ गया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप शांति पूर्वक मेरे और हनुमान के साथ अपने कक्ष में चलिए, अन्यथा आप जानते ही कि हम क्या कर सकते हैं। किंतु कार्य है, प्रकृति माँ मुझे दोष देंगी। कोई दोष नहीं देगा, आप समय से पूर्व आ गए हैं काल। आप ही ने तो मुझे मुक्त किया था। यही तो हमारी एक भूल थी जिसे हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है देवराज, किंतु इस बार मुझे समय से पूर्व मुक्त मत कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता, किंतु आप दोनों से मेरा एक प्रश्न है। कहें? आप दोनों मुझको ये बताइए, मेरा कार्य आपको कैसा लगा? अंततः इंद्र को उनकी करनी का दंड मिल ही गया। हाँ देव, इस महाप्रकृति में
सभी कार्य एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि किसी एक के मूल्य को दूसरे से कम या अधिक आंकना उचित है। यदि चींटी प्रण लेकर भूमि में न जाए तो पेड़ों के लिए आवश्यक रसायन उत्पन्न नहीं होंगे और परिणाम स्वरूप चींटियों के लिए उपयुक्त शर्करा भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार चींटियों और पेड़ों का क्रम उसी प्रकार इस सृष्टि में प्रत्येक क्रम व्युत्क्रम निश्चित। यदि देवराज इंद्र अपना कार्य ठीक से करते तो इस पृथ्वी पर ये घोर संकट नहीं आता, और यदि पृथ्वी पर संकट नहीं आता तो हनुमान को उन्हें दंडित करने न जाना पड़ता। बात यही है देवी, यदि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपना कार्य पूरे मनोयोग और निष्ठा से करे तो चारों ओर मात्र सुख और शांति ही होगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे द्वापर के अंत तक यही रहना है। आपका समय आने पर हम स्वयं आपको मुक्त कर देंगे। और हां काल, आपने अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से और पूर्ण मनोयोग से निभाया। मैं सभी से यही जानने की चेष्टा कर रहा था कि क्या मैं अपना कार्य सही प्रकार से कर सका या नहीं। माते, कृपया प्रकृति मां को ये सूचना अवश्य दे दीजिएगा कि उनके सबसे छोटे पुत्र ने अपना कर्तव्य निर्वहन पूर्ण मनोयोग से किया। नारायण नारायण। अवश्य अकाल, अवश्य। इस पूरे प्रसंग में केवल आप ही तो थे जो अपना कार्य पूर्ण रूप से निभा रहे थे। क्यों देवराज इंद्र, आप दोनों बार बार इस बात से मुझे कब तक प्रताड़ित करते रहे? नहीं नहीं देवराज इंद्र, अब आपकी प्रताड़ना का समय भी शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। अर्थात? अर्थात ये देवराज इंद्र, आप धरा पर वर्षा कब कर रहे हैं? और हो सके तो देवराज इंद्र, पृथ्वी वासियों को स्वर्ग के फल और खद्यान से भी फलीभूत कीजिए। ना ना ना, अवश्य। हमारे ही कारण तो पृथ्वी पर संकट आया। हम सभी संकटग्रस्त प्राणियों के लिए स्वर्ग से फल और खाद्यान्न पृथ्वी पर अवश्य भेजें। देवराज इंद्र, कुछ मेरे लिए भी भेज दीजिएगा, मुझे भी बहुत क्षुधा लगती है। आपकी क्षुधा पूर्ति तो अब द्वापर के अंत में ही होगी। नारायण नारायण, अंत भला तो सब भला। हनुमान, अब आप पृथ्वी लोक जाकर पृथ्वी वासियों को सांत्वना दे सकते हैं। कदाचित इस बार देवराज इंद्र अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। नारद, हनुमान, हम भी आपके साथ पृथ्वी लोक चलेंगे। हमें पृथ्वी वासियों का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें यह समझाया कि भूख और प्यास क्या होती है। हमें भी तो अपने कृत्य के लिए उन सभी से माफी मांगना। किंतु उसके पूर्व आप गगनदेव को आदेश तो दे दीजिए देवराज। अवश्य इंद्राणी। चलिए हनुमान। नारायण नारायण, मैं भी वापस स्वर्ग जाती हूँ। आज मेरा भी हृदय मृदांगिनी का नृत्य देखने का हो रहा है। अवश्य इंद्राणी। चलिए हनुमान, और आप यही विश्राम कीजिए। चलिए। अरे आप वही हो ना
सॉन्ग वाले? हाँ भाई, आप सही कह रहे। अभी तक मैं सॉन्ग ही कर रहा, किंतु अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं आप सभी से क्षमा मांगने। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है देवराज, आप हमारे साथ वर्षा का आनंद लीजिए। आप सभी ने मुझे क्षमा कर दिया, उसके उपलक्ष में आप सभी को मेरी ओर से भेंट। देवराज इंद्र की नहीं नहीं भाई, मेरी जय जयकार मत, मैं इस जयकार के योग्य नहीं हूं। जयकार तो हनुमान की थी, जिनके कारण मुझे सही मार्ग मिला। बोली हनुमान की जय। हनुमान की जय। हनुमान, अब तो आप कृपया करके मुझे मेरे मित्र एरावत के बारे में बताइए, उसे आपने कहाँ छुपा रखा है? मैंने उन्हें कहीं नहीं छुपाया, वो तो सदा मेरे साथ। एरावत जी, अपना रूप लीजिए। मित्र से क्रोधित रहोगे मित्र? हम मित्र कहाँ हैं? मैं तो आपका सेवक हूँ। मुझे आपसे क्षमा मांगने का अधिकार तो नहीं, किंतु मुझे क्षमा कर दो। मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं अपने सभी हितैषियों की बात को सुनूंगा और अपने कर्तव्यों का पालन वो भी करूंगा। फिर ठीक है, मैं भी मृदांगनी का नृत्य देखने अवश्य रंगशाला आऊंगी। ऐरावत, मृदांगनी तो गंधर्व लोक लौट गई। अर्थात मेरे भाग्य में नृत्य नहीं है? क्यों और लज्जित कर रहे हैं ऐरावत जी? नहीं हनुमान, इन्हें अधिकार है। अच्छा हनुमान, मैं स्वर्ग से फल और खाद्यान्न पृथ्वी पर भेजने की व्यवस्था करता हूँ। जी देवराज। मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे भी माता से जाकर मिल लेना चाहिए। अवश्य हनुमान, हमारी ओर से भी महाराज और महारानी जी को प्रणाम कहिएगा। अवश्य। बोलो संकट मोचन हनुमान की। संकट मोचन हनुमान की। संकट मोचन हनुमान की।